इससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। ऐसा क्यों? तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है, यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि दो लोग मिलकर घर बना लेते हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। वैसे भी आज पहली बार मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ऐसा क्यों? आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशी हो। जन्मदिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई। बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तोहफों के साथ, जिनकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती, जो मुझे मंजूर नहीं था। आज भी उस वक्त को याद करती हूँ तो सपने भी खिलौने आते हैं। तीन तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए, हर तोहफे के साथ एक पहेली है, हल कर लोगे तो तोहफा तुम्हारा। पहला तोहफा, बचपन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर। ऐसी चीज जेल? नहीं, हथकड़ी। सफेद कमीज, जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें रंगों से परहेज है क्या? रंगों से परहेज नहीं, काले से बैर। इस बैर की वजह? बचपन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में। गोदी में काम करता था, कोयला भरता था क्रेन में, बस वो काला कोयला मेरी रग रग में बस गया। यहां तक कि आंखें खुली रखो तो आंसू भी काले और बंद करो तो सपने भी काले। तब से इन पलकों का आराम नहीं। मेरा दूसरा तोहफा, इसमें ऐसी चीज है जिसे तुमने आज तक अपने गले से दूर रखा है। कानून का पंदा? टाई है टाई। तुमने आज तक मुझे टाई पहने हुए देखा है? तुमने मुझे अमरूद खाते हुए देखा है? लाए ना मेरे लिए। तीसरी पहली तुम रहने दो, इसमें घड़ी है, खोल के देख लो कैसी है। अच्छी नहीं लगी? अच्छी है लेकिन चल नहीं रही। मिर्जा जी, ये अपनी मर्जी से नहीं चलती, कलाई पे पहनिए, आपके नब्ज के हिसाब से चलेगी। ये नब्ज के हिसाब से चले तो ठीक है, नब्ज इसके हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। ये रुकी तो कहीं मैं भी। इसी दौरान मेरी पोस्टिंग बंबई में हुई। बंबई रात की बाहों में रहता है और रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरनाक इरादे, कुछ खतरनाक लोग। शोएब, कहाँ जा रहे हो? आप आज कहाँ की रखवाली कर रहे हो? बांद्रा। आज पहली बार सही रास्ते पे मिले हो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। बैठो। अब ये दे। तू ये मार। अबा। क्या? चलो। अब्बा की ड्यूटी आज यहीं की है। तो फिर कल पे रखे? आज का काम कल पर छोड़ूंगा तो आज बुरा मान जाएगा। चल, काम बता। ये लो साहब। Oh!
चाहते क्या तुम लोग? देख तू बहुत पिट गया है, इस हालत में घर भी नहीं जा सकता। हुँ? वो घर देख रहा है? वहां जा, बेल बजा, डॉक्टर बुला और दरवाजा खोल के रख। चल। कौन आ गया इतनी रात? अरे देखो ना तुम, क्या हुआ? कौन है ये? अरे चलो। काफी भारी है, कैसा लगा मैम? वो दिखाना। ये नहीं नहीं, ये मैंने पसंद नहीं आया। ये लेटेस्ट डिजाइन है। अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है। तुझे ये हार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम। निकल यहां से। क्या? चल निकल। शोहेब क्या कर रहे हो? मैम आप रुकिए, आप रुकिए। अगर अभी नहीं गई ना तो जो पहन कर आई वो जेवर भी यहीं छोड़ कर जाएगी। शोहेब क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज बैठिए, ये देखिए, ये देखिए। और नहीं बेइज्जती करवानी हमें अपनी। मैम मरने की उम्र है और झुंझुना खरीदने के लिए। मैम मैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो यह है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुमने सुधारना शुरू कर दिया। बातें मत बनाओ, काम बोलो, क्यों आए हो? बेचना है? पहनाना है। किसे? इसे, तुम्हें। किसके गले से निकालकर हमें पहनाने लाए हो? क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूं? हाँ? लोगों के गले काटता फिरता हूं? जा, मुझे नहीं दे रहा तुम्हें। शोएब, ठीक है, नाराज मत हो तो। हाथ छोड़ो मेरा। हमने छोड़ दिया तो कहां जाओगे? शोएब क्या कर रहे हो? बिगड़ना शुरू कर रहा हूं। शोएब, तुम सुधारना मत। शाम का इंतजार नहीं कर सकते थे? शाम तक रुकूंगा तो सुबह बुरा मान जाएगी। शोएब, शोएब जाओ। अगले तुम्हें क्राइम को रोकना नहीं, खत्म करना है। माफिया बॉम्बे में है और बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 लोग जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी पूरा शहर इनके कब्जे में है। जहां दूरदर्शन नहीं ये लोग वहां भी हैं। कोई आपसे दुश्मनी हो सकती थी, मगर सुल्तान ने कभी बढ़ने नहीं दी। उसने उन सबको अलग करके एक कर दिया। इसे जानते हो ना? इसे कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म स्टार रेहाना। उससे भी ज्यादा मशहूर बात यह है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है। बाकी सब छुपके काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अखबारों में छपता है। तुम खुद सोचो, आज का नौजवान जिसे छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है। एक बार उसके रास्ते पर चलो, बंगला, गाड़ी, फिल्म स्टार सब मिल जाएंगे। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। इसे जेल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है,
गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। You leave it to me, sir. Good luck. रामू, मोती, कहाँ चले गए सबके सब? घर में लाइट क्यों नहीं है? कट। किसने कट बोला? फुल लाइट्स। ओए मेरे होते हुए कट किसने बोला? कैमरा जब कर लो, ये सील करो सब कुछ, लाइन में लगाओ सब कुछ। चलो चलिए मैडम। ओ पाई साहब, कमाल करते हैं आप। ओ कौन है आप? पहले आप कट बोलते हैं, फिर आप डायरेक्शन देते हैं, आप आखिर हो कौन? ये फिल्मी सीन नहीं है, सरकारी सीन है, और इसे डायरेक्ट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया। एसीपी एग्नल विल्सन, बॉम्बे पुलिस। बंद करो ये सब, चलो। मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है। ये मैडम नहीं है, मुरली बॉस है, सुल्तान मिर्जा की चहेती, तो सुर तो ऊंचे होंगे ही। यहाँ रुबाब दिखाने से क्या फायदा? ये मिजाज अगर सुल्तान मिर्जा के सामने दिखा तो माने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मैसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि रेहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है। अब ये पैसा सुल्तान ने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं है, तो गैर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्में भी गैर कानूनी। बंद कर दो ये सब। ओ नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिल्म अगर दोबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उठना बैठना ना हो, और भी बेहतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हैं, वरना फिल्में शुरू तो होंगी, उन्हें खत्म नहीं होने दूंगा। चलो बंद करो सब। या मैडम, वो लोकेशन की परमिशन नहीं मिली है इसलिए आज भी। किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फाइनल होती, और कभी हीरो डेट नहीं देता, तो आज भी शूटिंग कैंसिल। ठीक है, ये मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए वर्दी पहनकर देश से गद्दारी करना। देश से वफादारी किसी एक शख्स से गद्दारी से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। प्यार मेरे लिए वफादारी से बढ़कर है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जीना प्यार से बढ़कर। इंसान की दुखती रग उसकी हर ताकत से बढ़कर होती है। सुल्तान की दुखती रग हो तुम, और तुम्हारी एक्टिंग। ऐसे भी मुझे दो फिल्मों से निकलवा चुके हो तुम जीत गए। तुम सबूत लाइयो। तुम्हें मिलने का और क्या मकसद हो सकता है? ये लो। क्या है इसमें? ये समझ लो सुल्तान बंद है इसमें, जल्दी से इसे खोल कर देख।